हेलो गाइस, तो हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट ब्लीडिंग हार्ट। एक्चुअली ये एक वाइन है, बेल है, और अगर आप ऐसे बुश की फॉर्म देना चाहें तो बुश भी आप मतलब कि उसको प्रॉपर इसकी प्रोनिंग करके कटिंग करके तो जितनी हाइट तक आप रखना चाहें, अगर आप एज ए बुश ही रखना चाहें फिर इसकी स्टेम काफ़ी हेल्दी हो जाती है, और अगर एज ए वाइन बनाना चाहें तो वो भी कैसे भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। और इतने खूबसूरत प्लांट इसके फ्लावर्स होते हैं, इतना यूनिक प्लांट है ये। ये देखिए ब्लीडिंग हार्ट है इसका नाम, और कितना प्यारा लग रहा है। और वाइट क्रीम से ये हैं और रेड रेड ये है, दूर से देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। यहाँ भी फ्लावर आ रहे हैं, इधर भी फ्लावर्स आ रहे हैं, इस साइड भी फ्लावर्स आ रहे हैं, और नीचे की एक स्टेम मैंने काट दी थी यहाँ से, तो मुझे था थोड़े प्लांट हाइट पकड़ेगा, उसमें भी इवन की फ्लावर्स आ रहे थे। इतना प्यारा लग रहा है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव सा प्लांट है, यूनिक से फ्लावर हैं इसके। और दूसरी बात, ये मतलब कि कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है, तो छोटी छोटी इसकी कटिंग्स लगाई हुई थी मैंने, और वो भी ग्रो हो गई हैं, चल पड़ी हैं काफ़ी अच्छे से। और ऐसे देखिए गुच्छ में फ्लावर्स आते हैं इसके, पांच पांच छः इकट्ठे ये स्टेम है, और इसमें से तीन चार इकट्ठे ये देखिए ऐसे फ्लावर्स आते हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है। तो जैसे ये वाले स्पेंट फ्लावर्स हो जाएंगे तो इनको मैं साथ के साथ इनको मतलब तोड़ती रहूँगी, इससे और एनर्जी मिलती है प्लांट को न्यू फ्लावर्स ग्रो करने में। और लीव्स भी बड़ी प्यारी हैं, काफ़ी ब्रॉड लीव्स होते हैं और काफ़ी अच्छा टेक्सचर होता है लीव्स का, नई लीव्स भी निकल रही हैं। और ये प्लांट मैंने दो तीन महीने पहले ही अपने गार्डन में ऐड किया था, और फर्स्ट टाइम इसकी फ्लावरिंग हो रही है। और जो इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है वो बनाना पील अगर नेचुरल वे में देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी इसकी जो पत्ती हैं वो भी अच्छी बनती हैं और फ्लावरिंग भी काफ़ी हैवी अमाउंट में करता है। और ये फ़िलहाल डायरेक्ट सनलाइट में पड़े तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी शाम की इसको जो आफ्टरनून की होती है तब शेड आ जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो प्रॉपर शेड है यहाँ। तो इसको मतलब कि सुबह सुबह की जो होती है तीन चार घंटे की वो वाली धूप आती है फिर शेड में उसके बाद, लेकिन है डायरेक्ट सनलाइट में पड़ा हुआ। और कटिंग से काफ़ी ईजिली ग्रो हो जाता है, और ये है अब 12 इंचज़ पॉट में है, 12 इंचज़ पॉट में। एज ए वाइन भी अगर आप ग्रो करना चाहें या कुछ के तौर पे तो आराम से ग्रो होता है। हाँ, उसके बाद जब जाते ही आपको लगने लग जाए कि इसकी रूट पाउंड हो गया है तो फिर आप इसकी चेंज कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं बड़े पॉट में, अदरवाइज 12 इंचज़ पॉट में काफ़ी अच्छे से चलता है ये। तो अगर पानी की बात करें तो पानी जैसे अब मई चल रहा है तो मई में तो मैं इसको दो दो बार पानी दे रही हूँ, सुबह भी और शाम को भी, और रात भी थोड़ी बारिश हुई थी तो आज मैंने किसी प्लांट को वाटरिंग नहीं की थी, तो अब थोड़े टाइम रुक के फिर करूँगी और हल्की फुल्की करूँगी, क्योंकि बारिश से वैसे ही थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो आज सारे पॉट जैसे कि आप देख रहे हैं गिले पड़े हैं, कोई इतना कोई मुरझाया मतलब कि सूखे सूखे नहीं है, सारे पॉट्स गिले पड़े हैं। तो काफ़ी यूनिक सा प्लांट है, और जो इसका प्राइस अगर देखा जाए तो नर्सरीज में अराउंड 50 मिल जाता है ये, और अगर ज़्यादा बड़ा प्लांट है तो 100 में। तो लेकिन है तो काफ़ी यूनिक, लेकिन हर नर्सरी में मिलता नहीं है, बात ये है कि हर नर्सरी में अवेलेबल नहीं होता। तो मुझे मिल गया था तो मुझे इसके बारे में पता था, तो मैंने फटाफट ये ले लिया, उस टाइम या एक आधा फूल ही आया हुआ था इसके ऊपर, लेकिन काफ़ी फ्लावरिंग करेगा। और साथ के साथ पिंचिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहने से ना प्लांट काफ़ी हेल्दी हो जाता है। नीचे की जो स्टेम है वो काफ़ी, जब इसकी हेल्दी हो जाती है ना फिर उसके बाद चाहे आप इसे एज ए वाइन ही बना लें, लेकिन जो मेन स्टेम है उसमें काफ़ी मतलब कि एनर्जी होनी चाहिए। तो धूप भी ये बर्दाश्त कर लेता है, पानी आप दो टाइम दीजिए और वेल ड्रेन सोइल बनाइए इसके, और पॉट का साइज़ मैंने बता ही दिया, और ये मेरे ख्याल से इसके सीड्स होंगे। तो गैस जो फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं इनको वैसे कोई कंपोस्ट वगैरह अगर आप दे देंगे वर्मी कंपोस्ट या बनाना पील नेचुरल वे में तो काफ़ी ये फ्लावरिंग तो उसके बाद ये काफ़ी करेगा। और अब देखती हूँ ये वाले फ्लावर कब तक रहते हैं, मुझे नहीं आइडिया इसको, लेकिन ये जो क्रीमिश से ये वाले बने हुए अराउंड 10 डेज़ हो गए हैं, और 2 दिन हो गए हैं ये रेड वाले निकले हुए पिछले से,
देखते हैं हफ्ता हो गया भी कितने दिन ये प्रॉपर फ्लावर रहते हैं, फिर उसके बाद इनकी पिंचिंग वगैरह करेंगे। लेकिन साथ के साथ ये पत्तियां भी और निकाली जा रहा है, ऐसे नहीं कि सिर्फ फ्लावरिंग ही कर रहा है, पत्तियां भी निकाल रहा है साथ साथ। तो ओके गाइस, ये थी एक ब्यूटीफुल से प्लांट, यूनिक से प्लांट के ऊपर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो प्यारी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और जल्दी मिलते हैं और वीडियोस के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।